हर्निया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि इंटेस्टाइन, एब्डोमिनल वाल के किसी कमजोर स्पॉट या ओपनिंग से बाहर निकल जाते हैं। आपके एब्डोमिनल वाल की मसल इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन कभी कभी ये मसल चोट या किसी सर्जरी की वजह से कमजोर हो जाती है। इस वीडियो में हम हर्निया के टाइप्स, इसके मेल और फीमेल्स में दिखाई देने वाले सिम्टम्स और इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हर्निया कई तरह का होता है। इंग्विनल हर्निया सबसे कॉमन होता है। इसमें इंटेस्टाइन का कोई पार्ट टॉप ऑफ इनर थाई या जांग के बीच में निकलकर आता है। ये मेल्स में ज्यादा होता है। फीमोरल हर्निया भी ग्रोइन एरिया में होता है, लेकिन इसमें इंटेस्टाइन थाई के नीचे की तरफ जाता है। फीमेल्स में ये हर्निया ज्यादा होता है। अम्बिलिकल हर्निया में इंटेस्टाइन का कोई पार्ट नेवल या नाभि के आसपास से बाहर निकल सकता है। ये बच्चों में भी हो सकता है। जब इंटेस्टाइन या कोई ऑर्गन किसी वीक मसल से बाहर आ जाए जो सर्जरी की वजह से हुई हो, तो उसे इंसीजनल हर्निया बोलते हैं। आइटल हर्निया होने पर स्टमक का एक हिस्सा चेस्ट के ऊपरी पार्ट में इसोफेगस या फूड पाइप के थ्रू चला जाता है, जिससे एसिड रिफ्लेक्स या हार्ट बर्न हो सकता है। हर्निया के सिम्टम्स मेल और फीमेल्स में अलग अलग हो सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ कॉमन सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। इंग्विनल हर्निया होने पर जांग या थाई के बीच में दर्द या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। पुरुषों में एक या दोनों टेस्टिकल्स के नीचे प्रोट्यूबरेंस का उभार हो सकता है। मसल से बाहर निकलने वाला भाग दबने पर, खांसने या छींकने पर बड़ा हो सकता है। कभी कभी थाइज में गुदगुदी या दबाव का एहसास हो सकता है। फीमोरल हर्निया होने पर थाई के नीचे वाले एरिया में दर्द, प्रोट्यूबरेंस का उभार जो कि खांसी के कारण बढ़ सकता है। अम्बिलिकल हर्निया होने पर दर्द या छोटा सा उभार हो सकता है, और उभार बढ़ने पर दर्द या प्रेशर का एहसास हो सकता है। इंसिजनल हर्निया होने पर आपको चोट या सर्जरी वाली जगह पर दर्द और उभार महसूस हो सकता है। हाइटल हर्निया होने पर एसिड रिफ्लक्स या हार्ट बर्न के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। चेस्ट में जलन, एसिडिटी और चेस्ट पेन इसके मुख्य लक्षण हैं। अब बात करते हैं कुछ घरेलू उपायों के बारे में जो आपके हर्निया के दर्द और डिस्कम्फर्ट को कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है। हर्निया का परमानेंट इलाज सर्जरी होता है, जो हम आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे। हर्निया के दर्द और डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए आपको आराम करना बहुत जरूरी है। ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी से बचना चाहिए। एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन हर्निया के दर्द को बढ़ा सकती हैं। इसको ठीक करने के लिए आप फाइबर रिच फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हर्निया की प्रॉब्लम है तो आप हैवी वेट उठाने से बचें। ज़्यादा भारी चीज़ उठाने से हर्निया बढ़ सकता है। हर्निया के परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए डॉक्टर्स आपकी ओपन हर्निया सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी कर सकते हैं। वीडियो में बताए गए किसी भी लक्षण से परेशान हैं तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से सलाह लें। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो में बताई गई सारी बातें आप समझ गए होंगे। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में सेहत से जुड़ी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।